अरे भाई, सारे समाजों में घटना नहीं होती है, सिर्फ दलित समाज के अंदर, या जिसको आप शेड्यूल कास्ट बोलते हैं, या जिसको शेड्यूल ट्राइब बोलते हैं, या जिसको पिछड़ा बोलते हैं, उसी के अंदर हो रही है। एक जवान खूबसूरत लड़का एक नए उभरते हुए लड़कों के दल में शामिल हुआ और उसको ये गुमान हो गया कि लड़कों का ये दल उसको बचा लेगा, या वो बहुत बड़ा आदमी हो गया या बहुत बड़ा नेता हो गया, जबकि उस लड़कों के दल के पास में कोई ना सिस्टम है, ना ही कुछ उसका आगे पीछे कुछ है, ना ही उसे जानकारी है। लड़कपन है, लड़कपन में तो चीज़ें चलती हैं, क्योंकि लड़कों को तुरंत चाहिए, यानी कि उनको अभी मोबाइल चाहिए, अभी उनको नौकरी चाहिए, अभी उनको पैसा चाहिए, अभी उनको शादी चाहिए, अभी उनको ब्याह चाहिए, अभी उनको कपड़ा चाहिए, अभी उनको पिक्चर देखनी है, उनकी जेब में पैसा होना चाहिए कहीं से आए। उन्हें नहीं पता कि दुनिया कितनी कैसे चलती है, कैसे नहीं चलती है। तो वो लड़का भी ऐसा ही था। कोई पार्क में झगड़ा हुआ, उस पर हमला हुआ और वो लड़का मार दिया। मैंने उसका वीडियो बनाया था एक, वो लड़का कैसे मारा गया। दरअसल मैं दूसरा वीडियो इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि हमारे जो लोग हैं जो नेतागिरी कर रहे हैं, खासतौर से समण समाज के, SC ST OBC के, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग जी रहे हैं। अगर आप ध्यान दोगे तो सारे के सारे नेता, चाहे वो लड़के हैं, चाहे वो बूढ़े हैं, चाहे बड़े हैं, चाहे वो एस्टैब्लिश पार्टियों के लीडर हैं, जितने भी नेता हैं या नेता बनने की लाइन में हैं, जब भी कोई डेथ होती है, जब भी कोई बलात्कार होता है, वो सारे काम छोड़ के उधर भाग लेते हैं। उनके बाकायदा प्रोग्राम होते हैं। कुछ तो बड़े चालाक हैं, वो क्या करते हैं, वो जाने का पहले पुलिस में इन्फॉर्म करते हैं और पुलिस उनको जाने नहीं देती तो उनको रोक लेते हैं। तो वो अपनी गिरफ्तारी अरेस्ट दिखाते हैं तो वहाँ पहुँचते नहीं। कुछ अपना ढोल ढंकड़ करते हैं कि वो अपना जा रहे हैं, गा रहे हैं, बजा रहे हैं, तो बीच में पुलिस को इन्वाइट करते हैं कि पुलिस हमें रोक ले, कई बार रोकती नहीं है तो उनके लिए मुसीबत हो जाती है। कई अभी नए हैं, अगर पुलिस ने उनको रोक राख लिया या पुलिस उनको रोकती भी नहीं है कि नहीं, दम नहीं है, तो वहां तक पहुंच जाते हैं, कुछ उल्टा सीधा बोलते वालते हैं, चले आते हैं। सारे के सारे अलग अलग जाते हैं, मतलब एक घटना होगी, उस घटना पे सारे के सारे अलग अलग जाएंगे। 2-3 दिन तक सिलसिला चलता रहेगा, वहां टेंट वगैरह भी लगा लेंगे, फोटो खिंचवाएंगे, वहां खूब मारामारी होगी। जैसे ही वहां मीडिया के कैमरे या मीडिया वाले आते हैं तो उनमें और तेजी आ जाती है। हर व्यक्ति इतना तेज बोलता है, उनमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है आपस में, ना ही वो कोई प्रेस रिलीज पहले बनाते हैं, ना उनकी कोई मीटिंग होती है, ना कुछ नहीं होता, बस वो इंस्टेंट होता है, तुरंत। जो जितना ज़्यादा तेज़ बोल गया, जिसकी जितनी ज़्यादा बाइट आ गई गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, या जिसने अत्याचार किया उसके अगेंस्ट में, उतना बड़ा वो लीडर है। उसके बाद में कोई नहीं देखता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, केस अच्छा बना खराब बना, बिक गया केस, क्या हुआ, कुछ नहीं उससे लेन देना। वो कभी दोबारा लौट के आते भी नहीं। कई बार उनमें झगड़े भी हो जाते हैं, तूने अच्छी बाइट दे दी, तेरा अच्छा नाम हो गया, मेरा हुआ नहीं। तो इससे ये पता चलता है कि एक तो ये नेता पहले कोई सोच या पहले कोई तैयारी नहीं रखते, यानी ऐसा काम नहीं करते जिससे कि कोई घटना हो ही ना। तो कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है जी, घटना तो होंगी, घटना तो होती रहती हैं। अरे भाई, सारे समाजों में घटना नहीं होती हैं, सिर्फ दलित समाज के अंदर, या जिसको आप शेड्यूल कास्ट बोलते हैं, या जिसको शेड्यूल ट्राइब बोलते हैं, या जिसको पिछड़ा बोलते हैं, उसी के अंदर हो रही हैं। बाकी जो लोग हैं वो तो कर रहे हैं, उनके यहाँ हो नहीं रही है घटना। घटना करने वाले लोग जो हैं उनके यहाँ घटना नहीं होती, घटना सिर्फ कुछ खास लोगों की हो रही है, जिनको आप शेड्यूल कास्ट या दलित या जो भी बोलते हैं, आप जिनके आप नेता बने घूमते हैं। तो अगर घटनाएं होती रहती तो सारे समाजों में होती, सारे समाजों में घटनाएं नहीं हो रही हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप घटना के बाद जाते हो, घटना से पहले आपके पास में इतनी समझ नहीं है कि आप अगर सारे इकट्ठे हो जाते तो घटना होती नहीं। तीसरी बात, आपको इतनी भी समझ नहीं है कि अगर घटना हो गई है तो घटना में इकट्ठे हो जाएं। कोई दुख हुआ है, कोई शोषण हुआ है, कोई हत्या हुआ है, कोई बलात्कार हुई है, तो वहां सारे इकट्ठे होकर एक स्टेटमेंट दें और एक साथ वहां रहें, इतनी भी समझ नहीं है। तो आपकी इस छोटी समाज और इस नासमझी की सजा वो पूरे समाज को मिल रही है। तो क्या हो रहा है, एक घटना होती है तो फिर दूसरी घटना और तीसरी घटना,
और आप सब लोग ऐसा लगता है जैसे घटना के इंतजार में बैठे रहते हैं, घटना हो तो हम घटना पे जाएं और घटना पे अलग अलग जाएं और घटना पे जाके हम लोगों को कहें कि देखो हम घटना पे आए, हमने घटना के जो घटित लोग हैं जिनको दुख हुआ उनके साथ हैं, ये देखो हमारे फोटो, ये देखो हमारी वीडियो। इससे घटनाएं और बढ़ रही हैं क्योंकि लोगों को ये पता है कि आप अलग अलग हो और जो घटना घटाने वाले लोग हैं, करने वाले लोग हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो इकट्ठे लोग हैं, तो उससे समाज का और नुकसान हो रहा है। तो दरअसल ये जो घटनाएं हैं बलात्कार की, हत्या की, शोषण की, मारपिटाई की, ये एससी एसटी ओबीसी समाज का खाना है। मतलब जैसे ही कोई घटना घटती है उनकी नेतागिरी को खाना मिल जाता है और वो सारे के सारे पहुंचते हैं उस खाना खाने के लिए। वहाँ वो लेक्चर देते हैं, भाषण देते हैं और फिर अगली घटना का इंतजार करते हैं कि अगली बार खाना कहाँ खाएंगे, कहाँ उनकी नेतागिरी को खाना मिलेगा, कहाँ उनकी नेतागिरी चमकेगी। अगर ऐसा नहीं होता तो एक घटना, बस एक घटना के बाद ये सारे लोग इकट्ठे होकर बैठते और सारे ये तय करते कि अब हम एक भी घटना दोबारा से नहीं होने देंगे, बल्कि जो घटना करने आएगा अब हम उसके साथ घटना करेंगे और अब हम सब एक हैं। तो जिस दिन ये आवाज़ आ जाती कि सारे एक हैं, सारे समाज एक हो गए हैं, सारे एस सी एस टी ओ बी सी एक हो गए हैं, तो घटना घटेगी नहीं, फिर तो घटना को करने वाले एस सी एस टी ओ बी सी हो जाएंगे, फिर उनके ऊपर कोई अत्याचार नहीं कर सकता। तो इतनी सी बात समझने में, इतनी सी बात जानने में अगर सारे नेताओं को कष्ट होता है, समझ में नहीं आती है, ये बात नहीं पल्ले पड़ती है, चाहे वो एस सी एस टी के धार्मिक नेता हों, चाहे वो सरकारी कर्मचारी के नेता हों, चाहे वो राजनीतिक नेता हों, चाहे वो सामाजिक नेता हों, चाहे वो आर्थिक नेता हों, चाहे वो दल बल के नेता हों, चाहे लड़कों के नेता हों, चाहे लड़कियों के नेता हों, चाहे औरतों के नेता हों, तो उनको नेतागिरी तुरंत छोड़ देनी चाहिए। इसमें समाज का ज़्यादा फायदा है क्योंकि अलग अलग जाते हैं तो घटना करने वाले लोगों का मनोबल बढ़ रहा है, उनको ये पता है कि पहले भी तेरा कुछ नहीं हुआ, ये सब आते हैं फोटो खिंचवा के चले जाते हैं, ये इनका काम है, ये भी खुश हैं और हमें तो अपने आप को बचाने के लिए अपना दबंगाई दिखानी है वरना हम मारे जाएंगे, तो वो दबंगाई दिखाते रहते हैं। इससे बाबा साहब का जो संगठित रहने का जो आदेश था और जो संगठित रहने की बात थी वो पूरी तरह से इन नेताओं के द्वारा ख़त्म होती है, कम से कम वो बच जाएगी। घटना घटेगी, घटना पे कोई नहीं जाएगा, घटना जाने के बाद में कोई फ़ायदा भी नहीं है, तो किसी आदमी को ये भरोसा भी नहीं रहेगा कि उसके पीछे कोई है, तो वो खुद ही लड़ने की कोशिश करेगा, शायद वो खुद लड़ने में बच जाए, क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी के भरोसे नहीं रहता और खुद लड़ता है तो उसकी ताकत और हिम्मत बढ़ जाती है, तो वो बेहतर स्थिति है। और फिर भी आपको अगर नेतागिरी करनी है तो बाबा साहब के उस आदेश को कि संगठित रहिए तुरंत मान लीजिए, अदरवाइज इसको छोड़ दीजिए। धन्यवाद। Thank you.
तीयं पीतंगं शरणं गच्छामि तीयं पीतंगं शरणं गच्छामि।